नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी भाग प्रथम के सेकंड पेपर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का जो ये पोर्शन है पेपर सेकंड में, और फर्स्ट जो टॉपिक चल रहा है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने किस प्रकार से जेनेटिक्स पर काम करते हुए पी प्लांट्स मटर के पौधे को उपयोग में लिया था। क्या कारण थे कि मटर के पौधों को मेंडल ने एक वंशागति के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयुक्त एक मॉडल के रूप में पाया था। उसके बाद में अब हम उसके द्वारा किए गए जो परीक्षण थे और परीक्षणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे, उन निष्कर्षों की एक तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया, और उन अध्ययन के पश्चात मेंडल ने कुछ नियम प्रतिपादित किए जो कि आनुवंशिकी में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति के मेंडलीय नियम कहलाए। उनमें प्रथम जो नियम है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, फिजिकल बेसिस फॉर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस प्रकार से जो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के प्रयोग किए थे उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे। उन नियम में जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एक संकर संकरण किसे कहते हैं, जब किसी जीव में पौधे में एक लक्षण की वंशागति के लिए दो विपर्यासी रूपों का धारण करने वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है और F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी तक उनका रिजल्ट निकाला जाता है, परिणाम देखा जाता है और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है, तो ऐसा संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। यानी कि दो विपर्यासी रूपों के मध्य संकरण कराया जाए किसी एक लक्षण के लिए, वो एक संकर संकरण कहलाता है। जिसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि मटर का एक पौधा लिया, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट मटर का एक लंबा पौधा, और उसका संकरण कराया था मटर के बौने पौधे से, ड्वार्फ प्लांट से। जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर कि मटर का जो टॉल प्लांट है उसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लिया, और ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी जीन संयोजन जैसा हम विकल्पी जो युग्म विकल्पी है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। जब P1 जनक और ये P2 जनक है, पेरेंट वन और पेरेंट टू, जनक प्रथम और जनक टू, इसके युग्मक बनते हैं तो इसमें सारे युग्मक कैपिटल टी बनेंगे, इसमें सारे युग्मक स्मॉल टी बनेंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य में जो युग्मकों के मध्य संकरण हुआ, क्रॉस हुआ, तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे थे, टॉल प्लांट थे। इसका मतलब उसमें ये स्मॉल टी भी आया और कैपिटल टी, दोनों जीन एक साथ संयोजन हुआ। लेकिन F1 पीढ़ी में एक्सप्रेशन प्रदर्शन केवल प्रभावी जीन का हुआ, कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। टॉल प्लांट जो है उसका लक्षण टॉलनेस, पौधे की लंबाई का जो लक्षण है वो प्रभावी है किस पर, बौने पौधे पर। तो इस प्रकार उन्होंने F1 पीढ़ी के अंतर्गत सभी पौधे लंबे पाए। उसके पश्चात F1 पीढ़ी में स्वयं परागण करवाया और स्वयं परागण के पश्चात F2 पीढ़ी में उसका अध्ययन किया। तो F1 पीढ़ी में जनक बनते हैं तो दोनों प्रकार के जनक एक जैसे है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। एक को हम फीमेल गैमेट मान लेते हैं, एक हम मेल गैमेट मान लेते हैं। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले युग्मकों का गैमेट्स का संयोजन हुआ तो टॉल प्लांट होमोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से अगर इसका संकरण होता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है या संलयन होता है
तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो टॉल प्लांट है लेकिन हेटरोजाइगस है। इसी तरह ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट है पर हेटरोजाइगस है, और यहाँ स्मॉल टी से ड्वार्फ प्लांट है लेकिन ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है। तो इसका यहाँ पर जो रिजल्ट निकला F2PD का रिजल्ट है यहाँ पर। इसमें देखो पहला रिजल्ट अगर हम लिखते हैं लक्षण प्रारूप यानी फीनोटाइपिक, तो यहां पर टॉल प्लांट लंबे पौधे 3 है और ड्वार्फ प्लांट है 1। और यहां पर जीनोटाइप अगर इनका हम निकालते हैं जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं तो यहां पर लॉन्ग प्लांट कैपिटल टी 1 रेशियो लॉन्ग प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी है 1। इस प्रकार यहां पर 1:2:1 का जीनोटाइप आया। तो फीनोटाइप और जीनोटाइप ये रिजल्ट निकालने के पश्चात मेंडल ने देखा कि इस रिजल्ट के आधार पर कि प्रथम पीढ़ी में हमेशा जो डोमिनेंट है जो प्रभावी है वही लक्षण प्रारूप प्रकट होता है, और अगर उसमें स्वयं परागण कराया जाए और उसके पश्चात F2PD का रिजल्ट एनालाइज किया जाए तो हम देखते हैं कि वो रिजल्ट 75% डोमिनेंस वाला दिख रहा है और 25% वाला उसमें जो रेसेसिव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्मॉल टी वाला जो जीन था एक साथ संयोजन में आने के पश्चात वो दोबारा उसने अपना जनक का प्रभाव यहाँ पर उस लक्षण का प्रभाव दोबारा दिखाई दिया। तो प्रभाविता के नियम के अंतर्गत ये है कि किसी एक लक्षण के दो विपर्यासी रूप है और विपर्यासी रूप में जो लक्षण प्रभावी है वो लक्षण हमेशा किसी पीढ़ी में प्रदर्शित होगा अगर वो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस कंडीशन में वो जीन की कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के एक साथ संयोजन है तो हमेशा ये पौधा टाल हुआ लंबा हुआ, तो ये प्रभाविता के नियम को प्रमाणित करता है। अब इसमें जो प्रभाविता का नियम है उसमें चाहे पौधे की लंबाई से संबंधित हो चाहे बीज का गोल या झुर्रीदार होना या बीज पत्र का पीला या हरा होना ये सब लक्षण उसमें उन्होंने अध्ययन किए थे। अब इसका जो भौतिक जो एक सत्यापन है भौतिक सत्यापन का है व्यवहारिक ये है कि मेंडल ने जो ये खोज की थी उसके पश्चात काल कोरेंस ने मटर पर मक्का पर शेरमक ने मटर पर डीब्रिज ने मक्का पर बैटसन ने विभिन्न प्रकार के जंतुओं पर यह लगाया था नियम और उसके आधार पर अध्ययन किए थे और प्रभाविता के नियम को उन्होंने इसको सिद्ध किया। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो पृथक्करण का नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम है तो इसको हम इसी एक सिंपल जो क्रॉस है इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि यहां पर किसी लक्षण यानी पौधे की लंबाई को लक्षण करने वाला रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन है कैपिटल टी है और पौधे की लंबाई से संबंधित दूसरा जीन है अप्रभावी जो स्मॉल टी। जब F1PD में दोनों जीन एक साथ रहते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर प्रभावी नियम प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो रहा है। अब हम अगर इसमें सेल पॉलिनेशन होता है और F2PD का अगर हम चेकर बोर्ड से रिजल्ट निकाले तो देखते हैं कि 25% तो यहां पर कैपिटल टी यानी कि प्रभावी वाले लक्षण सेपरेट हो गए ये वाले और 50% हुए थे ये 50% हो गए और फिर स्मॉल टी 25% हो गया यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि
किसी पौधे की लंबाई से संबंधित जीन है, यानी लंबाई के लक्षण को प्रभावित करने वाला जीन है, वो एक साथ रहा है, लेकिन F2PD के अंतर्गत उसका शुद्ध रूप हमें देखने को मिला है, कैपिटल टी होमोजाइगस डॉट प्लांट और स्मॉल टी होमोजाइगस डॉट प्लांट। तो इसके आधार पर ये सिद्ध हो रहा है कि फिजिकल बेसिस के आधार पर है कि ये पृथककरण, यानी यहां पर ये पृथक रूप से हो गए हैं, एक दूसरे से पृथक हो गए हैं और साथ में रहते हुए ये ब्लेंड नहीं हुए हैं। ये तो पृथककरण का नियम भी है, इसको हम द्विसंकरण संकरण से भी हम समझ सकते हैं, एक संकर संकरण से भी हम यहां इसको समझ सकते हैं। तो इसमें पृथककरण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और इस नियम के अनुसार विषम युग्मजी या संकर में युग्म कल्पि के दोनों कारक या जीव पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से संदूषित नहीं होते, यानी कंटेमिनेट नहीं होते या एक दूसरे से प्रभावित ज्यादा नहीं होते और एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण के दोनों जनक में उपस्थित होते हैं और युग्मक निर्माण के समय दोनों पृथक रूप से अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। तो इसके पृथककरण के नियम का जो महत्व है, पृथककरण के नियम का जो आधुनिक संकल्पना का सार है कि पृथककरण का नियम मेंडल द्वारा प्रस्तुत अपनी मौलिक संकल्पना थी और इसके अनुसार जीनों का सम्मिश्रण नहीं होता है, यानी जीन आपस में मिलते नहीं है, सम्मिश्रण नहीं होता है और मेंडल के बाद कोशिका विज्ञान के अध्ययनों द्वारा इसकी पुष्टि हो गई है और आधुनिक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि संकर जीवों में उपस्थित युग्मकल्पी जीन एकत्र हो जाते हैं तो एक दूसरे को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, चाहे वे कई पीढ़ियों तक संकर जीवों में साथ साथ रहें। एक गुणकारी जीन संकर को छोड़ते समय उतना ही गुणकारी होता है जितना कि संकर में प्रवेश करते समय होता है और ऐसा ही व्यवहार अगुणकारी जीन का होता है। तो इसका कुछ महत्व है कि प्रत्येक लक्षण का विकास एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है, प्रत्येक जीन के दो युग्म विकल्प होते हैं जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और जीन कणीय रूप में पाए जाते हैं, इसी कारण जीन के युग्मकल्पी एक ही कोशिका में रहते हुए भी सम्मिश्रण नहीं होता है। चौथा पॉइंट है, एक जीन के युग्मकल्पी पृथक होकर संकर के अलग अलग युग्मक में आते हैं और पांचवा पॉइंट है, जीन की वंशागति की इकाई है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती है। तो ये है पृथक्करण का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में हम देखेंगे कि मेंडल ने द्विसंकर और त्रिसंकरण संकरण के प्रयोग के बाद स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का प्रतिपादन किया था और मेंडल ने द्विसंकर त्रिसंकर क्रॉस कराया, उसने देखा कि कोई दो जनक है उसमें दो या तीन लक्षण एक साथ की वंशागति कर रहे हैं। मान लो पौधे की लंबाई है और इसके साथ में हम पौधे के लंबाई के साथ उस गोल बीज, उसका गोल बीज है और इधर पौधा बौना है और बीज कैसा है रिंकल, और एक साथ वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के दौरान F2PD में दोबारा स्वतंत्र रूप से लंबे और गोल बीज वाले और बौने और झुर्रीदार बीज वाले कुछ होमोजाइगस कंडीशन में और कुछ इनके इंटरमीडिएट रिजल्ट आएंगे। तो उसके आधार पर उन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि पौधे की लंबाई का गुण वाला जीन पौधे के बीज के जो आकार था गोल उसको आपस में प्रभावित नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं या उनका ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया है।